जिला मंडी में हम एक सर्व संकल्प के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव के माध्यम से हमारे जितने भी बुजुर्ग दिव्यांगजन हैं पूरे जिले में, उनसे हमारे कुछ वॉलंटियर्स संपर्क बनाएंगे और उनकी जो जरूरत की अगर कुछ जरूरतें हैं तो उसके लिए उनको फैसिलिटेट करेंगे, या तो उनको प्रोवाइड करेंगे या उनको हेल्प करेंगे। ये व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है क्योंकि जो COVID-19 का अब दौर चला हुआ है, इस दौर में अगर आगे भी जैसे कोई रिलैक्सेशन होती है तो सबसे वल्नरेबल हमारी पॉपुलेशन होगी, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांगजन हैं। इन लोगों की सुविधा के लिए, इनको परेशानी ना हो क्योंकि ये लंबे समय तक भी चल सकता है, उनके हर व्यक्ति के साथ कोई वॉलेंटियर मैप करेंगे। ये वॉलेंटियर्स हमारे सर्व्स हैं जो डिजास्टर के दृष्टि से जिला मंडी में वॉलेंटियर्स तैयार है, सोशल इमरजेंसी रिस्पांस वॉलेंटियर्स, और ये हर पंचायत में हमारे सर्व उपलब्ध है। ये सर्व लगभग उनके पास 15 से 20 लोग एक सर्व को अलॉट किए जाएंगे। ये सर्व जो व्यक्ति है वो उनसे संपर्क करेंगे और उन लोगों को बताया जाएगा कि अगर कोई उनकी जरूरत है, कुछ अगर सामान भी पहुंचाना है, कुछ दवाइयां पहुंचानी है, कुछ और हेल्प चाहिए, कुछ प्रशासन से हेल्प चाहिए, तो जो भी उनको हेल्प करना है उस लिए ये इनका नंबर उनके पास रहेगा ताकि वो सर्व से कांटेक्ट करें और हम उनको सुविधा उनके घर द्वार पे प्रोवाइड कर पाए। जिला मंडी के सभी अर्बन एरियाज में एक विशेष कैंपेन हमारा अभी चला है। ये 27, 28, 29 तक ये कैंपेन चलेगा, जिसमें जो भी नए व्यक्ति यहाँ पर आए हैं हाल ही में, उनकी पूरी लिस्ट हमारे जो अधिकारी है उनके द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी शामिल हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी है, आशा वर्कर्स भी है, हेल्थ के हैं, बाकी प्रशासन के अधिकारी भी है। ये मॉनिटरिंग के दृष्टि से हमारा इफेक्टिव मॉनिटरिंग पंचायत में चला हुआ है, पंचायत प्रधान और बाकी लोगों के माध्यम से। उसी तरीके की मॉनिटरिंग हम शहरों में भी ला रहे हैं क्योंकि लोग अब बाहर से जो आ रहे हैं उनको हमें स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन पे रखना है और इस पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। तो ये हमारे एक्टिव कैंपेन जो है हमारा 3 दिन का चला है। इस कैंपेन में जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है उनको कंपलसरी 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। इसी विषय पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि लोगों के मन में थोड़ी सी होम क्वारंटाइन को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। होम क्वारंटाइन का मतलब है कि अपने आप को अपने घर में ही आइसोलेट करना। इसका यह भी अर्थ है कि जो व्यक्ति जिसको होम क्वारंटाइन करने के लिए बोला है, वो व्यक्ति घर के अन्य सदस्यों के साथ भी उनका जो है मेल नहीं होनी चाहिए, उनसे भी दूर रखना है, अपना एक जो कमरा है उस कमरे में उनको सीमित रहना है उन दिनों के लिए। ये मतलब होता है होम क्वारंटाइन का। अगर परिवार के बाकी लोग भी अगर उस व्यक्ति से मिलेंगे अपने घर पे, खाना अगर इकट्ठा खाएंगे, अगर उनका आपसी जो है वो इंटरेक्शन बढ़ेगी, तो इससे वो लोग भी जो है इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं और फिर पूरे परिवार को जो है वो क्वारंटाइन करना पड़ सकता है। इसलिए होम क्वारंटाइन जिस व्यक्ति को बोला जा रहा है, उस व्यक्ति को अपने आप को परिवार से भी आइसोलेट करके अपने घर में एक कमरे में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन सबको 28 दिन की सख्त क्वारंटाइन के लिए बोला गया है। सभी को आरोग्य सेतु ऐप जो सरकार ने बनाया है उसको सभी ने डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल पे उसको हमेशा रखना है, और जो भी सरकार के दिशा निर्देश है उसकी पालना करनी है। जो रेगुलर चेकअप के लिए जैसे हमारे पास डेटा उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि हमारा एक पुख्ता इंतजाम है जिसमें कि जो बॉर्डर पे एंट्री कर रहा है वहीं पर उसका डेटा और उसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर की जा रही है और वो इन्फॉर्मेशन पंचायत से या नगर निकाय से शेयर की जा रही है ताकि क्रॉस वेरीफाई करके हम टोटल लोगों की अकाउंटिंग कर सके जो भी हमारे जिले में आए। फिर उसके बाद जो आशा वर्कर्स हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, वो समय समय पे इन लोगों से संपर्क करेंगे ताकि उनकी अगर कोई सिम्टम्स है या कुछ और डेवलपमेंट होती है उसके बारे में आवश्यक जो कार्रवाई है वो की जा सके। तो ये व्यवस्था लागू करने के लिए और ये सबकी हमें इसमें सहयोग चाहिए, तो लोगों को समझने की आवश्यकता है कि होम क्वारंटाइन में उस व्यक्ति को कंप्लीट आइसोलेशन में रहना है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है और आइसोलेशन में है, इस व्यक्ति के साथ हम अदरवाइज संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं, पर उनसे
डिस्टेंस मेंटेन करके हमने रखना है। इसमें यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भी किसी भी तरह के की अगर कोई किसी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है तो उसको इस नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है कि ये व्यक्ति कोई बीमार है और उसको जो है उससे दूर रहना है या उस परिवार को, उस घर को इस तरीके से देखना है। ये एक टेम्पररी फेज है और पूरे समाज को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। उसमें जब तक जरूरत है उस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन की, जो 28 दिन की है, उस 28 दिन के लिए अगर वो होम क्वारंटाइन में रहता है, उसके बाद उनमें कोई लक्षण या बीमारी नहीं होती है, तो वो व्यक्ति फिर समाज में बाकी लोगों से मिलजुल सकता है। पर ये व्यवस्था पूरी कोरोना वायरस के दौर में सभी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसमें किसी को टारगेट करने की या किसी को दूर रखने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। जो रिस्ट्रिक्शन बोला हुआ है बस उसी को पालन करना है। घर में अपने आप को आइसोलेट करना है, घर के सदस्यों से नहीं मिलना है, बाहर भी किसी से नहीं मिलना है 28 दिन के लिए। फोन या बाकी चीजें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो ये अर्थ होता है हमारे होम क्वारंटाइन का। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अभी होम क्वारंटाइन ही हमारा सबसे बेस्ट डिफेंस है। जो भी लोग आ रहे हैं, जिनको भी होम क्वारंटाइन के लिए बोला जा रहा है, वो सख्ती से होम क्वारंटाइन में रहे। अगर वो वहां पर रहेंगे, अगर बीमार हो जाएंगे तो उसके बाद में उनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है और वो ठीक भी हो सकते हैं, पर उनके माध्यम से और किसी व्यक्ति को ये बीमारी नहीं फैलेगी। यही इसका इंटेंशन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिला मंडी के सभी लोग प्रशासन का इस दौर में होम क्वारंटाइन को लेकर भी पूरा सहयोग करेंगे।